लग पाया, बट मज़ा बहुत आया, वी एंजॉयड अ लॉट. और सी एस के मैच जीत ही जाती अगर बारिश ना होती, बट एनी वेज एल एस जी की हालत तो फर्स्ट इनिंग्स में पता लग गई थी जब इनके 27 पे 3 या 4 विकेट हो ही गए थे. तो टी शर्ट पहन के कोई कुछ भी बैठे, राहुल की टी शर्ट, बट एनी वेज लास्ट में बहुत अच्छी खेली थी. रन तो हुआ ना आखिर 130. अब क्योंकि मैच पूरा नहीं हो पाया तो ये लोग हार तो मानेंगे नहीं, वरना स्टेडियम में बैठे रो ही रहे थे. खेला तो सही, खेलना तो पड़ता ही ऑब्वियसली, 10 विकेट है खेलोगे, बट मैच को तो खेलने भी नहीं मिला, लेकिन उनको जो करने को मिला वो उन्होंने बखूबी किया. बट एनीवेज मैच तो खत्म हो चुका है, बट अगर आप मैच देखने जा रहे हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान आप रख सकते हैं, जैसे कि टिकट्स कहाँ से लेनी है. तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों टिकट्स ले सकते हैं, बट ऑनलाइन टिकट्स में इश्यूज ये हैं कि आपको कन्वीनियंस चार्ज, डिलीवरी चार्ज देना पड़ेगा, और वो डिलीवर होगा आपके घर पर, वो भी 3-4 दिन पहले, और वो कोई कंफर्मेशन नहीं है, वरना आपको बॉक्स ऑफिस से लेना होगा. तो प्रेफरेबली आप ऑफलाइन टिकट्स लीजिए, वो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए. और सेकंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कितना जल्दी आपको वेन्यू पे पहुंचना है. तो जैसे कि हम 1.5 घंटे पहले गए थे, जो कि हमसे गलती हो गई, MS धोनी आ रहे हैं और हम जा रहे हैं 1.5 घंटे पहले, तो हम वेन्यू पर पहुँचे थे 3:30 बजे के बाद, यानी कि मैच स्टार्ट होने के बाद, और 3 बजे टॉस होना था, तो हमने तो सब मिस कर दिया, हमने से बारिश देखी. और तो आप कम से कम 2 घंटे 2.5 घंटे पहले जाइए, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अपने व्हीकल से जाइए, अपने कन्वेंस से जाइए, बिकॉज ऑटो उबर बहुत प्रॉब्लम होता है उस दिन. लोग तो पैदल जा रहे थे, मतलब देखने वाली कंडीशन थी कि लोग कितने किलोमीटर पैदल दिखे हमें CSK की जर्सी में, लाइक सीरियसली. तो आप इस चीज़ का ख्याल रख सकते हैं. और दूसरी चीज़, उसमें आपको PDF मिल जाएगा अगर आप ऑनलाइन टिकट्स ले रहे हैं तो, आई एम श्योर ऑफलाइन में भी मिलता ही होगा. तो उसमें काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं कि प्रोहिबिटेड हैं, जैसे कि बैनर्स नहीं ले जाने देते हैं, विसल नहीं ले जाने देते हैं, अम्ब्रेला, बट ऐसा कुछ नहीं है, वो आप ले जा सकते हैं. बस चेकिंग ज़्यादा होगी, बैग भी ले जा सकते हैं आप, बस ईटेबल्स नहीं ले जा सकते हैं, तो ऐसी कोई सामान या मेटल नहीं ले जा सकते आप. तो वो सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा PDF में, डिस्क्रिप्शन में वो PDF लिंक कर देंगे, तो आप वो देख सकते हैं, चेकआउट कर लीजिए अगर आप मैच देखने जा रहे हैं कानों में, तो आप ये देख सकते हैं कि क्या चीज़ें नहीं ले जानी है. बाकी आप बाकी क्या ले जा सकते हैं वो भी डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे, यू कैन चेकआउट. और अगर आप बैग्स ले जा रहे हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप थोड़ा और भी पहले निकलिए, क्योंकि आपकी चेकिंग 2 बार होगी, 1 बार एंट्री पे होगी, 1 बार एंट्री करने के बाद होगी. और बाकी अगर आप बैग्स नहीं ले जाने तो आपके पास कोई भी चेकिंग नहीं होगी, बस खाली मेटल नहीं होना चाहिए, बाकी वो आपको जाने देंगे, ना कॉइन्स वगैरह नहीं होने चाहिए, की अलाउड है वो ले जा सकते हैं. और रही बात खाने के सामान की, तो ऑब्वियसली आप वाटर बॉटल्स या कोई भी ईटेबल नहीं ले जा सकते, और अंदर से ख़रीदने की आई थिंक गलती नहीं करनी चाहिए, बिकॉज 20 रुपये की पेटीज अंदर 100 रुपये की, 70 रुपये की मिलेगी गंदी सी सैंडविच, तो आप अवॉइड कीजिए मेरे ख्याल ले जाना. बाकी आप एग्जिट नहीं कर सकते हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम है, खाना ही पड़ेगा जो मिल रहा है. अगर इफ़ इट इज़ अर्जेंट है तो आप मतलब ख़रीद सकते हैं, बाकी अब आई नॉट एनकरेज कि आप अंदर से कुछ खरीदें, बिकॉज क्वालिटी भी एज पर दी प्राइस ठीक नहीं रहती है, वो एकदम स्टेल फूड देंगे आपको ठंडा, तो 100-200 रुपये आप खर्च भी करेंगे, मिलेगा भी कुछ नहीं. 100 रुपये की आपको वो मैकडोनल्ड्स की मील वाली जो कोल्ड ड्रिंक होती है वो देंगे आपको 100 रुपये में, वो भी ठंडी नहीं होगी. तो आई थिंक यू कैन अवॉइड और यू कैन टेक एज पर योर कन्वीनियंस. बाकी फूड रहता है खाने को काफ़ी कुछ, बस हाई प्राइस्ड रहता है. और अगर आपको टी शर्ट्स अपने टीम की चाहिए, तो जिस जो भी टीम खेल रही होगी उस दिन, वो टी शर्ट्स और उसके फ्लैग्स और विसिल और फेस पेंटिंग कैप सब आपको अवेलेबल होगा, आपको वही मिल जाएगा, इवन रिबन, हाँ वो सब भी आपको मिल जाएगा. तो आप वो भी, उसमें भी कोई इशू नहीं है, प्राइसेस भी ठीक रहते हैं, 150-200 में आपको आराम से मिल जाएगा. तो आप ये सब देख सकते हैं. और बाकी कोई क्वेरी हो आपको तो आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली पूछ सकते हैं, वी आंसर दैट. हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल व्हिच इज डेली डोज ऑफ ओपिनियंस. टिल देन बाय बाय.